हाय गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए बातूनी चैनल को। और हाँ, हम लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव हो रहते हैं इंस्टाग्राम में, तो अगर आपको नए नए फैक्ट्स जानने हो तो वहाँ पे हम लोग को जाके फॉलो कीजिए @officialbatuni पे। मैं आपका दोस्त राहुल शर्मा आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में जो कभी एग्जिस्ट किया करते थे हमारे वर्ल्ड में या फिर करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ जो हमारी वीडियो में सबसे पहला क्रिएचर है उसका नाम है फ्रिल शार्क। फ्रिल शार्क एक बहुत ही प्राचीन क्रिएचर है और इसके अंदर बहुत कम चेंजेस आए हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके अभी तक में। इसका साइंटिफिक नेम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं इसको प्रोनंसिएट नहीं कर पा रहा, हो सकता है आप में से कोई करके दिखा दे। ये अपने प्रे को डायरेक्ट पूरा का पूरा एक बार में स्वेलो कर जाती है। इनके जो फेवरेट फूड है उनमें से एक आता है स्क्विड। आपको एक व्हेल को देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फ्रिल शार्क। फ्रिल शार्क एक बहुत ही रेयर क्रिएचर है हमारे वर्ल्ड में जो कि बहुत कम ही देखा गया है, और कुछ लोग तो इसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। बहुत थोड़ा पता है हम लोग को इसके बारे में। ये जो है वो डायरेक्ट बर्थ देती है अपने ऑफस्प्रिंग को, इसके कारण इसको मैमल की कैटेगरी में रखा गया है। और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अलग है। ये एक सांप के तरीके स्विम करती है, बिल्कुल लहरा लहरा के जैसे सांप इधर से उधर जिगजैग मोशन में करता है। और सबसे अजीब बात ये देखी गई है कि जो फ्रिल शार्क है उसके अंदर जब बेबी होता है तो वो प्लासेंटा से कनेक्टेड नहीं होता। तो साइंटिस्ट अभी भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना प्लासेंटा के फ्रिल शार्क कैसे किसी बेबी को बर्थ दे पाती है। फ्रिल शार्क जो है वो बहुत डीप सी में रहती है जिसके कारण इसका एग्जिस्टेंस बहुत कम लोगों को पता है, और कितने नंबर्स में एग्जिस्ट करती हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता। आपने फेरी टेल्स में एक अजीब से क्रिएचर को जरूर देखा होगा, एक घोड़ा जिसके माथे से एक सींग निकली रहती है, जिसको हम सब लोग जानते हैं उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। और यूनिकॉर्न हम सबको पता है कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, पर कभी कभी जो सच्चाई होती है वो फिक्शन से थोड़ी अलग होती है। और जैसे कि हम लोग सोचते आए कि यूनिकॉर्न कैसे दिखते होंगे कैसे होंगे, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग माई फैक्ट, नो, एक्चुअली जो हम लोग सोचते हैं कि कैसे यूनिकॉर्न होते हैं वो वाले नहीं, जो रियल यूनिकॉर्न है वो एग्जिस्ट करते हैं। इनको एशियन यूनिकॉर्न भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एशिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनका रियल नाम होता है साओला। साओला के 2 हॉर्न्स होते हैं एज कम्पेयर टू फिक्शनल यूनिकॉर्न जिसके सिर्फ 1 हॉर्न होता था। और इनके जो 2 हॉर्न्स है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं इनके स्कल से। और ये वो क्रिएचर्स हैं जिनको मिथ में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेकनली लिया गया है। साओला जो है वो बहुत ही रेयर पाए जाते हैं वियतनाम के रिमोट एरियाज़ में और लाओस के भी। इनको पहली बार देखा गया था 1992 में, और उसके बाद बहुत ही रेयर देखने को मिले थे और शायद ना के बराबर देखने को मिले थे, जिसके बाद इनको एक्सटिंक्ट माना जा रहा था। 1999 में एक कपल देखा गया था इनका साथ में, जो कि ये प्रूफ करते हैं कि वो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट किया करते थे। और लास्ट टाइम इनको देखा गया था 2010 में, तब से लेके अभी तक में इनको नहीं देखा गया, और ये बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। पर इससे आप ज़रूर कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न रियली एग्जिस्ट करते हैं, एक सींग वाले नहीं, 2 सींग वाले। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर की जिसके बारे में भी आपने फिर से सुना होगा फेरी टेल्स में, जिसको हम लोग बचपन में बोलते थे मरमेड और हिंदी में बोलते हैं जलपरी। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, और मैं सच बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि जो फिक्शनल चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अलग होती हैं रियलिटी से। और रियलिटी में जलपरी को मिस्टेकनली किसी और क्रिएचर से ले लिया गया था जिसका नाम है मैनेटीज़, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी फनी स्टोरी थी। क्रिस्टोफर कोलम्बस जब अपनी पहली जर्नी जो है अमेरिका की तरफ ले रहे थे, तब उन्होंने पहली बार मैनेटीज़ को देखा था, यानी मरमेड को देखा था, और उन्होंने मिस्टेकनली मैनेटीज़ को मरमेड समझ के अपने जर्नल में लिखा था कि उन्होंने मरमेड को देखा है, क्योंकि उनको लगता था कि वो सच में जलपरी थी ना कि कोई एक एनिमल था। और फिर 8 जनवरी 1493 को एडमिरल ने भी अपने जर्नी के टाइम जब वो रियो डेल ओरो जा रहे थे तब उन्होंने मरमेड को देखा था, वो भी 3-3 एक साथ। और जो मैनेटीज़ हैं उनके फीचर्स जो हैं वो बहुत हद तक मिलते हैं एक ह्यूमन से, जैसे कि उनकी सच में 5 बोन्स होती हैं जो कि उनकी 5 फिंगर्स बनाती हैं, और लोगों को ऐसा लगता था कि वो उनके हाथ हैं। और वहीं पे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं, और वहीं पे उनके नेक में वर्टिब्रे कॉलम भी एग्जिस्ट करता है जिसके कारण वो अपने नेक को टर्न कर पाते हैं। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने उनको मिस्टेकनली लिया था मरमेड से। एडमिरल ने अपने जर्नल में ये भी लिखा हुआ था कि जो उन्होंने जलपरी देखी थी वो बहुत
खूबसूरत तो नहीं दिखती थी पर दिखती थी अच्छी, और ये सब उनके मिथ थे बस और कुछ नहीं। इवन ग्रीक माइथोलॉजी में भी मरमेड यानी कि मैनेटीज का बहुत जिक्र किया गया है। इसके बाद ये हवा इतनी फैली कि लोगों ने इसके बारे में फिक्शनल स्टोरीज और करेक्टर्स बनाने शुरू कर दिए, जिसके कारण मरमेड बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और हमारी फेरी टेल्स में आ गई। उसके बाद एक इन लोगों के एक स्केलेटन भी मिला था मैनेटीज का, जो कि बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उनका जो स्केलेटन है वो सिमिलर होता है एक ह्यूमन के। और मोम्बासा आइलैंड में सच में एक मरमेड यानी कि मैनेटीज को शॉट किया गया था ये प्रूफ करने के लिए कि सच में मरमेड यानी कि जलपरी होती है। अगर आपका कभी भी एनकाउंटर होता है मैनेटीज से तो आप सच में उसको रियल समझ के उसके पास मत चले जाना, क्योंकि वो मरमेड नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे लेजेंडरी क्रिएचर की जिसका एनकाउंटर बहुत कम लोगों के साथ हुआ है और इसका एग्जिस्टेंस अभी भी एक मिस्ट्री है, मॉथमैन। इसको विंग्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसको पहली बार बहुत सारे लोगों ने एक साथ देखा था जब सिल्वर ब्रिज कोलैप्स हुआ था 15 दिसंबर 1967 को, जिसमें 46 लोगों की डेथ हो गई थी। वहीं पे इसका दूसरा एनकाउंटर हुआ था जब 5 लोग एक सिमेट्री में एक जन की ग्रेव को खोदने में लगे हुए थे वेस्ट वर्जीनिया में। तब ये बहुत नीचे से उड़ता हुआ उनके सामने से निकला था, और ऐसा बोला जाता है कि मॉथमैन की जो आँखें वो दोनों रेड ग्लो करती हैं, और इसकी हाइट को अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट का बताया जाता है। तीसरा एनकाउंटर हुआ था जब ये एक कार के पास से गुजरा था, जब एक आदमी कार चला के बहुत रात को एक ऐसे एरिया से गुजर रहा था जहाँ से उसको नहीं गुजरना चाहिए था, और ये तब मॉथमैन वहाँ पे आ गया था और एकदम से बहुत देर तक उसकी विंडशील्ड की हाइट तक उड़ता रहा और उसकी आँखों में देखा, और फिर थोड़ी देर बाद चला गया। कोई नहीं जानता उसने ऐसा क्यों किया, पर उसने उस इंसान की जान बचाई क्योंकि आगे TNT का एरिया था, यानी कि बहुत सारी माइंस गड़ी हुई थी रोड में। इस तरीके से वो आदमी बच गया, और इसीलिए मॉथमैन को एक हीरो माना जाता है, पर इसका एग्जिस्टेंस आज भी एक मिस्ट्री है। पर रियलिटी क्या है कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं एक ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर की जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, और हमारे माइथोलॉजी में भी इनका वर्णन है और रामायण में इनके बारे में अच्छे से लिखा गया है, जिनका नाम है वानरा। वानरा रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। वानरा का जो एग्जिस्टेंस है वो साउथ इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा था, और इनको निंडरथल नाम की स्पीशीज से कंपेयर किया जाता है। बस वानरा और निंडरथल के बीच सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है पूंछ। वैसे वानरा का मतलब मंकी नहीं होता, वानरा का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वन मतलब फॉरेस्ट और नारा मतलब ह्यूमंस, नॉट मंकीज। बंदरों को संस्कृत भाषा में वाना कापी, कापी या फिर मराकाटा बोला गया है, ना कि वानरा। वानरा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे एज़ कम्पेयर टू मंकीज। वानरा के पास बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ हुआ करती थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी निंडरथल का प्रूफ देखने को मिला है, यानी कि तब भी ये एग्जिस्ट किया करते थे। जो निंडरथल है और वानरा हैं, इन दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इनके बोन स्ट्रक्चर्स जो थे वो बहुत सिमिलर थे एक दूसरे के, और इनकी पूरी बॉडी में बाल हुआ करते थे, और इनके स्लोपिंग फोरहेड था, और वहीं पे इन दोनों की बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ मानी जाती है। बस यहीं पे डिफरेंस आता है कि एक के पास टेल थी तो दूसरे के पास नहीं थी। उनका वर्णन कपी कुंजा नाम के शब्द से किया गया था, जिसका मतलब होता है एलिफेंट लाइक मंकीज, यानी कि मंकीज जो कि एलिफेंट जितने बड़े हुआ करते थे। इवन वाल्मीकि ने अपनी रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि जब वानरों के राजा ने वानरों को पूरी दुनिया से एकत्रित होने के लिए कहा, एक सेना बनाने के लिए, तब हर जगह से वानर आए थे, और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ऐसी ऐसी जगहों से भी वानर आए थे जहाँ पे आधे साल तक दिन रहता था तो आधे साल तक रात, और वो हमारे वर्ल्ड के पोल्स हैं जहाँ पे 6 महीने दिन रहता और 6 महीने रात। और साइंस के अकॉर्डिंग निंडरथल जो है वो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, इवन पोल्स में भी, जो कि निंडरथल और वानरों के एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा सिमिलर बनाता है। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए बातूनी चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे जब भी हम लोग नई नई वीडियोस डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। जितने भी है मेरे फैंस, आज से अगर आप मेरे को चाहते है, TikTok अगर आपके पास है डिलीट कर दो, ये एप्लीकेशन नहीं मांगता अपने को।